अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइवली कुकिंग। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त और डिलीशियस मसाला फ्रेंच फ्राइज। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं और कितने क्रिस्प हैं। तो चलिए इस डिलीशियस सी ज़बरदस्त सी फ्रेंच फ्राइज़ की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें आलू चाहिए, 3 अदद बड़े साइज़ के आलू ले लें और इसके फ्राइज़ कट कर लें। अगर आप चाहें तो ऊपर और नीचे से कट करके इसको इस तरह भी कर सकते हैं ताकि इसकी थोड़ी सी शेप बन जाए, नहीं तो आप इसे एज इट इज़ कट कर सकते हैं, लेकिन इसका जो साइज़ है वो थोड़ा सा मीडियम ही रखें। सारे फ्राइज़ कट करने के बाद हम इसे पानी में डिप करेंगे ताकि इसका जो सारा एक्स्ट्रा स्टार्च है वो इससे निकल जाए। अच्छी तरह से 2 से 3 मरतबा हम इसे धोएंगे, वॉश करके हम इसे छलनी में डालेंगे। आप इसे 2 से 3 मरतबा इस तरह पानी में डालकर वॉश कर लें जब तक कि इसका पानी बिल्कुल क्लियर ना हो जाए। ये आप देख सकते हैं, अब इसका पानी बिल्कुल क्लियर है। तो अब हम इसे छलनी में डालकर इसका सारा पानी जो है वो हम इसे हटा लेंगे और जो फ्रेंच फ्राइज़ है इसे हम एक बाउल में ऐड करेंगे। फ्रेंच फ्राइज़ को आप थोड़ा सा छलनी में रखें ताकि जो इसका पानी है वो निकल जाए इससे। अब हम ऐड करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून नमक, या फिर टेस्ट के हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं क्योंकि इसमें हमने चाट मसाला ऐड करना है और चाट मसाले में ऑलरेडी नमक ऐड होता है। 1 टीस्पून मैं इसमें चाट मसाला शामिल कर रही हूँ। अगर ये नहीं है और आप ऐड नहीं करना चाहते तो आप खटाई पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। कुटी हुई लाल मिर्चें 1 खाने के चम्मच भर के मैं यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको कम मिर्चें पसंद हो तो आप कम भी ऐड कर सकते हैं। फेनोग्रीक लीव्स यानी कि कसूरी मेथी हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं 1 टीस्पून। लहसुन पाउडर या फिर लहसुन का ताज़ा पेस्ट हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। कुटा हुआ जीरा हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून। कुटा हुआ धनिया तकरीबन 1.5 यानी कि 1.5 चाय के चम्मच। गरम मसाला 1/2 चाय का चम्मच। फूड कलर ये ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो थोड़ा सा ऐड कर लें। कॉर्नफ्लोर हम ऐड करेंगे 3 खाने के चम्मच भर के कॉर्नफ्लोर ऐड करना है इसमें। और यहाँ पे मैं ऐड करने जा रही हूँ तकरीबन 1 टीस्पून सूजी। थोड़ा सा इसे भून कर ऐड कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, और अगर आप इसे स्किप करना चाहते हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। ज़्यादा बिल्कुल भी आपने नहीं डालना वरना ये इसे कड़क बना देगा और आपके जो फ्राइज़ हैं वो सख्त हो जाएंगे। तो कम ही डालें और थोड़ा सा भून के डालें, बारीक वाली सूजी ऐड करें, ये इसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्रंच देगा। अब हम इन सारे मसालों को अच्छी तरह से फ्रेंच फ्राइज़ के ऊपर लगाएंगे और इसे हमने रखना नहीं है। बस अब हम इसे मीडियम हॉट ऑयल में और मीडियम फ्लेम पर ही हमने इसे फ्राई करना है। और ये जो सारा मसाला है ये फ्रेंच फ्राइज़ के ऊपर लगाने के बाद हमने इसे रखना नहीं है क्योंकि जो आलू हैं वो पानी छोड़ देते हैं। तो ज़्यादा बेहतर है कि आप जैसे ही मसाला लगाएं उसके बाद आप इसे फ्राई कर लें। फ्राई करने के लिए हम इसे मीडियम हॉट ऑयल में ऐड करेंगे और इसके बाद हम इसे ढककर तकरीबन 5 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे ताकि जो आलू हैं वो अच्छी तरह से गल जाएँ। और जब आलू अच्छी तरह से गल जाएँ तो इसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे 3 से 4 मिनट या इससे ज़्यादा, जब तक कि ये क्रिस्प ना हो जाएँ। अच्छी तरह से हमने इसे क्रिस्प करने तक फ्राई करना है हाई हीट पर, क्योंकि ये ऑलरेडी अंदर से कुक हो चुके हैं। तो हाई हीट पर हमने इसे 4 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है और अब हम इसे छलनी में इस तरह करके निकालेंगे और इसके बाद हम इसे किसी स्ट्रेनर में थोड़ी देर के लिए रखेंगे। और ये ज़बरदस्त से हमारे फ्राइज तैयार हैं, ज़बरदस्त से स्पाइसी और एक्स्ट्रा क्रिस्पी फ्राइज हमारे तैयार हैं। आप इसे सर्व कर सकते हैं केचप के साथ या किसी भी सॉस के साथ।
ज़बरदस्त से फ्रेंच फ्राइज़ हमारे तैयार हैं, आप इसे इंजॉय कीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, मुझे फीडबैक दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसे लगते हैं। हमें ज्वाइन कीजिए हमारे फेसबुक पेज लाइवली कुकिंग पर, और इसके साथ ही मेरे दूसरे चैनल लाइफस्टाइल विद लाइवली कुकिंग को भी विजिट कीजिए। अगर वहाँ पर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो उसे भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।